टेक्निकल हाउस चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को सबसे पहले प्रेस करें। हमारे इस आज की वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वो इस चीज पे बात करने वाला हूँ कि आप क्या कभी कभी क्या होता है कि आपके स्मार्टफोन में कभी आपके फोन साइज देख सकते हो कि कितने छोटे हो रहे हैं, राइट। मतलब इतने छोटे छोटे फोन में कभी आपको कुछ भी नहीं दिखता है, मतलब काफ़ी छोटे हो जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है कि कौन से सेटिंग से ये इतने छोटे हो चुके हैं। तो उसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, यानी कि जैसे साइज में थे वैसे कैसे लाए जा सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको आपके फ़ोन के फ़ोन में से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना, कि सेटिंग को ओपन कर लेना है आपका फ़ोन का सेटिंग को। फिर वहाँ पे आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस फाइंड करना है। यदि आपको ये बाहर ही नहीं मिलता है तो आपको एडिशनल सेटिंग करके आएगा इस तरह से, उसके अंदर भी जाके आपको चेक कर लेना है। मेरे फ़ोन में यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस बाहर ही दिख रहा है तो उस पर मैं सिंपल से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे सेटिंग्स रहेंगे, जिनमें से आपको किसी भी सेटिंग्स को कोई भी चेंज नहीं करना है, जो सेटिंग मैं दिखा रहा हूँ उसको ही चेंज करना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले साइज आ रहा है और उसके साथ ही आपको एक फॉन्ट साइज़ आ रहा है और फॉन्ट आ रहा है, तो उनमें से आपको तीनों ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट साइज़ को ही चेंज करना है। तो उस पर क्लिक कर देना है सिंपल सा, और यहाँ पे आपको स्मॉल, डिफॉल्ट, मीडियम, लार्ज एंड वेरी लार्ज आ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए वेरी लार्ज रख के आपको दिखा देता हूँ कि कितना चेंजेस हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारा चेंजेस आ रहा है। आप मेरी बगल वाली स्क्रीन पे देख सकते हैं पहले कितना छोटा दिख रहा था और अभी कितना बड़ा फॉन्ट दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। यदि हो चुका है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में।